उत्तराखंड में कल एक टनल का हिस्सा टूटा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आई हैं और कई जो मजदूर हैं उसमें फंसे हैं। उत्तरकाशी में जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। ऑल वेदर रोड के लिए टनल का काम चल रहा था और इसी बीच रविवार सुबह 5 बजे टनल का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिसमें 40 के करीब मजदूर फंसे हुए हैं। पिछले करीब 28 घंटे से मजदूर इसी में फंसे हुए हैं और राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है। राहत और बचाव के काम में दिक्कतें क्यों आ रही हैं? ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। टनल के गेट से 150 मीटर अंदर फंसे थे मजदूर। ऐसे में टनल के अंदर 30 मीटर एरिया में मलबा भरा है। मलबा ज्यादा होने से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। आपको बताएं कि अब तक मजदूरों से संपर्क नहीं हो पाया है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी दी जा रही है और पाइप से ही खाने पीने की भी सामान वहाँ पर लगातार भेजा जा रहा है। ऐसे में SDRF, NDRF, ITBP की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है पाइप के द्वारा, साथ ही पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी दी जा रही है। तो देखिए, उत्तरकाशी हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की है, फोन पर जानकारी ली है और भरोसा दिलाया कि केंद्रीय एजेंसियां हर संभव मदद करेंगी। लगातार जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं और NDRF, SDRF सभी मौके पर पहुँच गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।